स्टूडेंट्स गुड नून, आई एम संजय कुमार तिवारी फ्रॉम मंगलम इंटर कॉलेज। आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये लेसन इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था। इसका सेकेंड पैराग्राफ पढ़ाना है। सेकेंड पैराग्राफ पहले तो इस लेसन के बारे में ब्रीफ में जान लीजिए। इस लेसन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के जाने माने लेखक पत्रकार खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं। उनकी दादी माँ गांव में रहती थी और उस समय जब वो बच्चे थे व्हेन ही वाज चाइल्ड, ही डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही वाज चाइल्ड एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द विलेज। उनकी दादी माँ गांव में रहती थी। तो पैराग्राफ है वो अपनी दादी के बारे में कह रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन वो हमेशा से रही शॉर्ट मींस नाटी, फैट मोटी एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली मींस थोड़ा सा बेंट में झुकी हुई। तो अपनी दादी के बारे में कह रहे हैं कि वो नाटी मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस यानी चौराहा बन गया था। ऑफ रिंकल्स यानी झुर्रियों का। रनिंग एवरीवेयर टू एवरीवेयर जो कहीं से कहीं भी जा रही थी। उनका चेहरा झुर्रियों का एक चौराहा बन गया था जो झुर्रियां कहीं से कहीं भी जा रही थी। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हाँ वी वर सर्टेन हम विश्वस्त थे, हमें ये विश्वास था। सर्टेन मीन्स पूरा विश्वास। क्या विश्वास था कि शी हैड ऑलवेज बीन वो हमेशा से रही। शी मीन्स वो, हैड बीन रही, ऑलवेज मीन्स हमेशा से। एज वी हैड नोन हर जैसा कि हमने उनको जाना, जैसा कि हम उनको देखते आए। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स। ओल्ड बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड बहुत भयंकर रूप से बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। एंड कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर इतना बूढ़ी थी कि कुड नॉट हैव ग्रोन। ग्रोन मीन्स और बढ़ना और आगे जाना, यानी वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतना बूढ़ी हो गई थी। And had stayed at the same age for 20 years. Had stayed यानी रुकी हुई थी at the age for 20 years, 20 साल की आयु पे। यानी वो 20 साल की आयु पर ठहर सी गई थी। She could never have been pretty. वो कभी भी सुंदर नहीं रही थी। She could never, never means कभी नहीं। Have been pretty, have been यानी रही, pretty अर्थात सुंदर। वो कभी भी सुंदर नहीं रही। But she was always beautiful. लेकिन फिर भी वो हमेशा सुंदर थी। वो कभी सुंदर नहीं रही, फिर भी वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार का प्रयोग किया गया है कि कभी सुंदर भी नहीं रही और हमेशा सुंदर भी रही। एक ही वाक्य में दो तरह की बातें, दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें। तो सी हावल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड डस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टू एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो सी हावल्ड मींस चलती रहती थी। अबाउट द हाउस यानी घर में इन विथ स्पॉटलेस
व्हाई? स्पॉटलेस मींस बेदाग, व्हाइट मींस सफेद। बेदाग सफेद कपड़े में हवल चलती रहती थी। अबाउट द हाउस, घर के अंदर। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। वन हैंड, एक हाथ, रेस्टिंग, रेस्टिंग मींस रख करके, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पे। एक हाथ वो अपनी कमर पर रख करके, फॉर बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस में संतुलित करने के लिए, हर स्टूप, हर मींस अपनी, स्टूप मींस कूबर, अपनी कूबर को संतुलित करने के लिए। तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि वो अपनी कूबर को संतुलित करने के लिए अपने एक हाथ को अपनी कमर पे रख करके कमरे में हवल चलती रहती थी, फुदकती रहती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में बीट्स ऑफ हर, टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग मींस कहती रहती थी, बीट्स माने गुड़िया या मन का, रोजरी मींस माला। तो अपनी माला या गुड़िया, माला के मनके पर वो कुछ कहती रहती थी, अर्थात जप करती रहती थी। नेक्स्ट लाइन है, हर सिल्वर लुक वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल फकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो हर सिल्वर लुक्स वेयर स्कैटर्ड, उनका सिल्वर लुक चांदी जैसा, सिल्वर मीन्स चांदी, लुक मीन्स चेहरा, उनका चांदी जैसा चेहरा या दृश्य स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर द पेल पकर्ड फेस। स्कैटर्ड मीन्स फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। अनटाइटली मीन्स बेतरतीब, अनियमित रूप से। ओवर हर पेल, पेल मीन्स पीले। पकर्ड मीन्स झुर्री वाले। फेस मीन्स चेहरे पर। तो उनका चांदी जैसा दृश्य चेहरा या चांदी जैसा रंग अनियमित रूप से उनके मुरझाए और झुर्री वाले चेहरे पर बिखरा हुआ था। एंड हर लिप्स, और उनके लिप्स मीन्स ओंठ। हर लिप्स, उनके ओंठ, कॉन्स्टेंटली मीन्स स्थिरतापूर्वक, स्थिर रूप से या लगातार, निरंतर। उनके ओंठ निरंतर मूव्ड मींस चलते रहते थे इन इनऑडिबल प्रेयर्स। इनऑडिबल मींस ना सुनाई देने वाली, ऑडिबल मींस सुनाई देने वाली, इनऑडिबल मींस ना सुनाई देने वाली। हर लिप्स मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके ओंठ हमेशा ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में चलते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सी वो वाज थी ब्यूटीफुल, सुंदर, हाँ वो सुंदर थी। लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो धार्मिक थी। शी वॉज रिलीजियस, वो अपने एक हाथ को अपनी कमर को संतुलित करने के लिए अपनी कमर पे रख करके कमरे में चलती रहती थी, और दूसरे हाथ में माले की मनका पर कुछ बोलती रहती थी। और लेखक कह रहा है कि वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains. She was like the winter landscape. वो, she means वो, was means थी, like means तरह, winter landscape यानी जाड़े की भूमि, वो जाड़े की भूमि के सदृश इन द माउंटेन, पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी इलाके में शीत ऋतु में भूमि, पहाड़ी इलाके की शीत ऋतु की भूमि जैसा वो सुंदर थी। एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, प्योर मीन्स पवित्र, वाइट मीन्स बेदाग यानी सफेद, स्वच्छ, धवल, और सेरेनिटी मीन्स चरित्र। एक्सपांस मीन्स विस्तार, वो एक स्वच्छ धवल चरित्र का विस्तार थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो शांति में और स्थिरता में सांसें भरी थी। दैट्स ऑल, थैंक।